क्षेत्रीय सेवा योजन और कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित दो दिवसीय वृहद रोजगार मेले का रविवार को समापन हो गया। रोजगार मेला के समापन के दिन बेरोजगार युवकों में रोजगार के लिए काफी भीड़ देखने को मिला। इस दौरान युवक रोजगार पाने के लिए धक्का मुक्की भी करते नजर आए। वहीं मेले में प्रशासन की तरफ से समुचित व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन के लोग और पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। वहीं रोजगार के लिए साक्षात्कार होने आए युवकों ने मेले में व्यवस्था की कमी की शिकायत की। युवकों का कहना था कि वह लंबे समय से साक्षात्कार के लिए बैठे हैं, लेकिन संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि अनुपस्थित हैं। वहीं इस मामले में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवा योजना निदेशक प्रांजल यादव ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, अगर कहीं भी कोई चूक हो गई होगी तो उसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही यहाँ के बेरोजगारों के लिए बहुत सारी रोजगार लेकर आने वाले हैं। काकड़ के विशाल वृक्ष के नीचे यहाँ आए, सोच के Thank you.
समय कितना समय हो रहा है? साढ़े ग्यारह हो रहा है। क्या इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बता रहे हैं? अभी बता रहे हैं कि वैशाली आ रहे हैं, वैशाली लेट है इस समय। डिप्लोमा वालों को कह रहे नहीं, क्या अभी शहर में आए नहीं है? नहीं नहीं, वैशाली ट्रेन से आ रहे हैं, वैशाली ट्रेन अभी लेट चल रही है, करीब आएगी 3 बजे गोरखपुर। आप लोग को पहले ही बुला लिया गया था क्या? टाइम तो 9:30 बजे का था, एंट्री 8:30 बजे हो गए थे। क्या नाम है आपका? शशांक मिश्रा। पिछले साल के भी यहाँ पे मुझे बताया गया है जॉब फेयर हुआ था, और आप स्वयं भी इसकी एनालिसिस कर लें। गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पर मेरा मानना है कि प्रशासन के सहयोग से और सबके सहयोग से बहुत अधिकारी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हैं, और हर तरह की व्यवस्था है, पीने का पानी है, पंखे लगे हैं, मिस्ट फैन लगे हैं, बाथरूम्स हैं, और हर तरह की व्यवस्था की गई है। फिर भी अगर कहीं कुछ किसी को असुविधा हुई है तो मैं और चेक करा लेता हूँ। 2 दिनों का जो जॉब फेयर गोरखपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित किया गया, पहले दिन 13,800 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 3,000 के ऊपर बच्चे सेलेक्ट भी हुए। आज भी यहाँ जॉब फेयर इस समय हो रहा है और 8-10 हज़ार बच्चे आ चुके हैं, उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, और मैं आज भी उम्मीद करता हूँ 2500 से अधिक बच्चे आज भी सेलेक्ट होंगे। दोनों दिन का अगर हम जोड़ लें तो 5000 से ऊपर बच्चों को रोज़गार हम लोग सफल होंगे यहाँ पे उपलब्ध कराने में। आगे की बात यह है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि हर 3 माह पे कंपनीज के हेड से बात करके, उनसे अनुरोध करके उनको फिर से आमंत्रित करें गोरखपुर में, वो फिर आएं और फिर यहाँ पे इंटरव्यू करके बच्चों को ले जाएं।